Hello everyone, let's talk about the top 10 war bases of Town War 11 which can be used in Classic War and Clan War League. Personally, I have used these different bases for different wars, so I have seen what the enemies can do on these bases. And if you're new here, make sure to hit the subscribe button and also to stay connected with my other social handles, please check the description below. And without wasting any more time, let's roll the intro. नंबर 10, ये जो बेस आप देख रहे हो ये थोड़ा सा टेढ़ा किस्म का बेस है। टाउन हॉल एकदम कॉर्नर पे रखा गया ताकि 2-स्टार हो जाए 3-स्टार ना हो सके। बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, इसीलिए वहाँ पे हाई डिफेंस सेट किया गया है। ट्रैप्स का पोजीशंस भी आप लोग देख सकते हो, सीज मशीन को फेल करवाने के लिए ये चीज किया गया है। इसीलिए कोई भी अगर इस बेस के ऊपर फर्स्ट टाइम 3-स्टार करने के लिए आएगा उनको नाकामयाबी ही मिलेगा। बेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। नंबर 9, ये बेस को आप लोग अच्छी तरीके से देखोगे तो ये थोड़ा सा एल टाइप का बेस है, और अगर अच्छी तरीके से इस बेस के ऊपर प्लानिंग नहीं होगा तो ये बेस आपका अटैक का एल भी लगवा सकता है। बेसिकली ये बेस एयर अटैक्स को रोकने के लिए बनवाया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग कॉपी कर सकते हो। नंबर 8, रिंग टाइप बेस। अच्छे अच्छे अटैक्स को भी ये 1-स्टार में कन्वर्ट करवा चुका है और लगभग 70% क्लैशर्स ये बेस भी यूज करता है। तो अगर इस बेस को आप हल्के में लोगे, फेल होने में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलो बढ़ते हैं अगली बेस की ओर। नंबर 7, सेम एल टाइप बेस है और इस बेस को आप एंटी 2-स्टार बेस भी कह सकते हो। अच्छा खासा हाइब्रिड का भी मुंह तोड़ जवाब ये बेस दे चुका है, तो अब अच्छे से ये बेस देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से आप लोग कॉपी भी कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट बेस की ओर। नंबर 6, रिंग टाइप बेस भी है, ऊपर से एंटी एयर बेस भी है। इसका एयर स्वीपर पोजीशंस, एयर डिफेंस पोजीशंस और बाकी सारा ट्रैप्स भी कोई भी अच्छा खासा एयर अटैक्स को रोक सकता है। तो चलो टॉप 5 में जाने से पहले अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, चाहे तो बेसेस को यूज करके भी देख लो, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो कमेंट में जरूर बताना। चलो बढ़ते हैं टॉप 5 की ओर। नंबर 5, ये बेस को देख के आपको थोड़ा सा जरूर डिसअपॉइंटेड फील हुआ ही होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बेस तो विच आर्मी से आराम से 3-स्टार हो सकता है तो बिल्कुल आप गलत हो, क्योंकि ये बेस मिनिमम 3 अटैक्स वेस्ट करवाएगा। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये बेस हमारा क्लैन का लीडर यूज करता है और उनके बेस पे हमेशा हर वार पे 2-3 अटैक्स वेस्ट होता ही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग यूज करके भी देख सकते हो। नंबर 4, ये बेस के बारे में मुझे कुछ बोलने का जरूरत भी नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अबाउट 90% क्लैशर्स ये बेस यूज करता ही है। एंड ऑफ कोर्स ये बेस सुमित भाई का है जिन्होंने सबसे पहले ये बेस हम लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया था, और आज के टाइम पे इस बेस के ऊपर काफी सारा स्ट्रेटजी से क्रैक निकाला गया है, एंड फॉर दैट रीजन ये बेस नंबर 4 पे है। एंड वन मोर थिंग, मैंने काफी बार देखा है कुछ क्लैशर्स इस बेस पे इसका जो टाउन हॉल होता है वो बिल्कुल बीचों बीच रख देता है। ऐसा मत किया करो, ऐसा करने से आप लोग सीज मशीन का एक पाथ बना दोगे जिससे ये बेस इजिली 3-स्टार हो जाएगा। नंबर 3, ये बेस मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। इस बेस पे काफी सारे अटैक्स फेल हुए हैं आज तक। बॉक्स टाइप बेस है इसीलिए काफी सारे ट्रूप्स यहीं पे भटक जाते हैं, और अगर फिर भी आप हाइब्रिड से इस बेस के ऊपर कोशिश करोगे तब भी आपका 2-3 अटेम्प्ट्स लग जाएगा ये बेस 3-स्टार करने में। मैंने बहुत बार देखा है इस बेस के ऊपर प्रॉपर फनल, प्रॉपर प्लानिंग के होते हुए भी 2-स्टार हुआ है। बेस लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग ले सकते हो। नंबर 2, डिफेंस का पोजीशन देख के आपको पता चल रहा है कि ये बेस कितना खतरनाक हो सकता है। इस बेस का डिजाइन ऐसा है कि ट्रूप्स हमेशा बाहर ही घूमेगा, ठीक से फनल नहीं करोगे तो ट्रूप्स अंदर नहीं जाएगा। चलो किसी तरह ट्रूप्स को अंदर भेज भी दिया तब भी बहुत कम चांसेस है कि 3-स्टार हो जाए। नंबर 1, सबसे पहले अगर ये बेस देखोगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा कौन सा आर्मी यहाँ पे ट्राई किया जाए। आई नो, मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हो कि हाइब्रिड से आसानी से हो सकता है। नहीं, आसान इतना नहीं है, बहुत बार इस बेस पे टाइम फेल हो चुका है, बहुत बार। हाइब्रिड के अलावा किसी और स्ट्रेटेजी से इस बेस पे जाओगे तो ओनली 5% चांसेस है कि इस बेस पे 3-स्टार आ जाए, और अगर हाइब्रिड भी करोगे तब भी सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि क्वीन का भटक जाना। यूज करके देखो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये रहा टाउन हॉल 11 का टॉप 10 बेसेस जो यूज करके आप लोग आसानी से एनिमीज को 3-स्टार करने से रोक सकते हो। तो गाइस फिलहाल वीडियो में आज के लिए इतना ही। आपको और किस टाउन हॉल का वॉर बेसेस चाहिए कमेंट में जरूर बताना, कोशिश करूंगा कि जल्दी वीडियो आ जाए। चलो फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें, बाय।